दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में फैले मेट्रो के जाल में शीला दीक्षित का अहम योगदान रहा। मेट्रो का निर्माण 1998 में शुरू हुआ और दिसंबर 2002 में पहली बार दिल्ली इस आधुनिक ट्रांसपोर्ट का गवाह बनी। आज करीब 350 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ दिल्ली मेट्रो दुनिया की टॉप 10 मेट्रो सर्विसेज में शुमार है। फ्लाईओवर्स का जाल। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल तक दिल्ली की सीएम रहीं। उनके कार्यकाल में दिल्ली में करीब 70 फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में रिंग रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए फ्लाईओवर बनाए गए। किलर बसों पर ब्रेक। शीला दीक्षित के शासन में साल 2009 से लेकर 2011 के बीच दिल्ली में लगभग 2000 से अधिक ब्लू लाइन बसों को बंद कराया। अंतिम ब्लू लाइन बस दिल्ली में 31 जनवरी 2011 को चली थी। लगातार सड़क हादसों की वजह से ब्लू लाइन को किलर लाइन का नाम दिया गया था। बस ट्रांसपोर्ट जिसे सुधारने के लिए DTC की CNG बसों की शुरुआत की। कॉमनवेल्थ खेलों का कामयाब आयोजन। दिल्ली में 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के सफल आयोजन के लिए शीला दीक्षित को हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि आयोजन पर भ्रष्टाचार की छींटे भी पड़ी, लेकिन मैनेजमेंट के लेवल पर ये देश में उस दौर का बेस्ट इंटरनेशनल गेम इवेंट था। हरी भरी दिल्ली। दिल्ली में हरियाली के लिए शीला दीक्षित ने गंभीरता से काम किया था। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए शीला ने न सिर्फ दिल्ली की हरियाली को बचाकर रखा, बल्कि उसका दायरा बढ़ाने के लिए भी काम किया।